बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज का टॉपिक है डिवीजन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल शेयरिंग इन डिवीजन टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर टॉपिक इज इक्वल शेयरिंग सिक्स एप्पल्स टू बी शेयर अमंग थ्री चिल्ड्रन हमें छप्पल को तीन बच्चों के बीच में शेयर करना है फर्स्ट दे टेक वन एप्पल ईच पहले हम क्या करेंगे सबको एक एक ऐप्पल देंगे नाव दे आर लेफ्ट विथ थ्री एप्पल्स अब भी हमारे पास कितने एप्पल्स बचे हैं थ्री अगेन दे टेक वन एप्पल ईच दोबारा से हम उनको क्या दे देंगे एक एक एप्पल और 6 apples are shared equally among 3 children and each one gets 2 apples. The concept of sharing equally is known as division. Equal sharing. Jitne bhi hamari total number hai, unme equal distribution is called division. 6 divided by 3 gives 2. We write this as 6. Is divided by 3 is equal to 2. This one. Okay. 6 is divided by 3 is equal to 2 is a division fact. This is the sign of division. Consa. This one. This is the sign of division. Now next is equal grouping. Sham has 10 balls. टू बॉल्स कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स हाउ मेनी बॉक्स विल ही नीड टू पैक ऑल टेन बॉल्स शाम के पास दस बॉल है और उन्हें उसे क्या करना है दो दो बॉल को हर एक बॉक्स में पैक करना है तो उसे टोटल कितने बॉक्स चाहिए टेक टू बॉल्स एंड प्लेस दैम इन अ बॉक्स दो बोल लो और उनको एक बॉक्स में रख दो नाउ टेक टू मोर बॉल्स एंड प्लेस दैम इन अनदर बॉक्स दो बॉल लेंगे और उसे हम दूसरे बॉक्स में रखेंगे सिमिलरली इसी तरह से प्लेस ऑल द रिमेनिंग बॉल्स इन द बॉक्सेस बाकी बची हुई बॉल्स को भी हम बॉक्सेस में रखेंगे देर आर नो बॉल्स लेफ्ट देर फोर शाम विल नीड फाइव बॉक्सेस टू कीप ऑल द बॉल्स हियर वी हैव डिवाइडेड द नंबर 10 इंटू फाइव इक्वल ग्रुप ऑफ टू ईच आप यहाँ पे पिक्चर में भी देखेंगे कितने बॉक्सेस हैं हम कित, हमें कितने बॉक्सेस चाहिए फाइव बॉक्सेस टू टू ईच वन टू वन टू वन टू वन टू एंड वन टू यहाँ पे हम सिर्फ कितने लेंगे थ्री फोर फाइव फाइव बॉक्सेस लेंगे हमारी टोटल बॉल्स कितनी है टेन और हर एक बॉक्स में हमारे कितनी बॉल्स हैं टू तो टोटल कितने बॉक्सेस हुए हमारे फाइव बॉक्सेस कितने बॉक्सेस होंगे फाइव बॉक्सेस 10 divided by 2 is 5. That is, 10 is divided by 2 is equal to 5. Yeah. Uh -huh. 10 is divided by 2 is equal to 5. Total number is equal to 10. Number in each group is equal to 2. Number of groups is equal to 5. Our next topic is division as repeated subtraction. डिविजन ऑफ टू नंबर्स कैन ईवन बी डन यूजिंग द मैथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रेक्शन रिपीटेड सब्ट्रेक्शन मीन्स सेम नंबर को रिपीटडली माइनस करना सब्ट्रैक्ट करना टू डिवाइड यूजिंग रिपीट सब्ट्रैक्शन सप्ट्रैक्ट इक्वल ग्रुप्स फ्रॉम द टोटल अंटिल यू रीच जीरो एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव सब्ट हम कैसे करेंगे रिपीटेड सब्ट्रेक्शन में हम सेम नंबर को जब तक सब्टेक्ट करेंगे जब तक हम किस पे ना पहुंच जाए जीरो किस पे ना पहुंच जाए जीरो पे ओके okay? और उसके बाद जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने सब्टेक्ट किया है उनको क्या करेंगे काउंट करेंगे नाउ एग्जाम्पल फिफ्टीन इज डिवाइडेड बाय थ्री हियर यू नीड टू फाइंड हाउ मेनी टाइम्स थ्री कैन बी सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम फिफ्टीन टू रीच एट जीरो ऑफ ऑल हम क्या करेंगे फिफ्टीन फर्स्ट टाइम हमारी टोटल कितने हैं फिफ्टीन जीरो हैं यहाँ पे उसमें से क्या फर्स्ट टाइम हमने क्या First time हमने किया फर्स्ट टाइम हमने थ्री माइनस किया वी रीच एट ट्वेल्व नाउ अगेन माइनस थ्री वी रीच एट नाइन अगेन थ्री वी रीच एट सिक्स अगेन माइनस थ्री वी रीच एट थ्री अगेन माइनस थ्री वी रीच एट जीरो कितने टाइम्स फाइव टाइम्स ओके after subtracting 3 from 15 five times you reached at zero this means that there are five threes in 15 therefore the division fact is 15 is divided by 3 is equal to 5 तो बच्चों एक्सरसाइज आप इसी तरह से खुद ट्राई करेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देर आर फोर एपल्स इन अ बास्केट हमारे एक बास्केट में कितने एप्पल्स हैं फोर एप्पल्स ओके हाउ मेनी एप्पल विल देयर बी इन थ्री सच बास्केट इसी तरह से थ्री बास्केट में हमारे टोटल कितने एप्पल्स हैं हमारे थ्री बास्केट है यहाँ पे और तीनों में कितना है फोर फोर एप्पल वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तो हमारे टोटल कितने एप्पल्स हैं कैसे करेंगे 4 plus 4 plus 4 is equal to 12. Total, kitna hua 12. So, there will be a total of 12 apples. It can also be written as 3 is multiplied by 4 is equal to 12. Here, 3 is multiplied by 4 is equal to 12. This is called multiplication fact. Consider the same problem in a different way. If there are 12 apples and 4 apples are in each basket, then how many such baskets will be there? 12 divided by 4 gives 3. That is, 12 is divided by 3 is equal to 3. This is called division fact. This is called division fact. That is, 12 is divided by 4 is equal to 3. Now, observe both multiplication and division facts together. 4 is multiplied by 3 is equal to 12. 4 hamara multiplied by 3 is equal to 12. And 12 is divided by 4 is equal to 3. Right? Multiplication is the opposite of division. Also, division is the opposite of multiplication. Right? Opposite means ulta. यहाँ पे हमने क्या किया फोर को थ्री से मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स ट्वेल्व ओके ट्वेल्व को हमने फोर से डिवाइड किया इट बिकम्स थ्री देयर फोर मल्टीप्लीकेशन टेबल्स कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड डिविजन एग्जाम्पल वन ट्वेंटी इज डिवाइडेड बाई फोर रिकॉल द टेबल ऑफ फोर फोर की टेबल हम दोबारा से करेंगे एक बार फोर वन जाट फोर थ्री झा ट्वेल्व फोर फोर जा 4, 4 सिक्सटीन फोर फाइव जा ट्वेंटी और हमें डिवाइड क्या करना है ट्वेंटी यस yes. तो फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव क्योंकि यहां पे हमारा क्या है फोर फाइव ट्वेंटी फोर फाइव जा ट्वेंटी तो इज इक्वल टू ट्वेंटी दैट इज फोर फाइव गिव ट्वेंटी देर फोर ट्वेंटी इज डिवाइडेड बाय फोर इज इक्वल टू फाइव और आंसर इज फाइव एग्जाम्पल टू 20 is divided by 5. Recall the table of 5. 5 1's are 5. 5 2's are 10. 5 3's are 15. 5 4's are 20. What is our 5 4's are 20. Okay. That is 5 fours gives 20. Therefore, 20 is divided by 5 is equal to 4. So, our answer is. 4. Okay? From the two examples, note that you can write two division facts for a given multiplication fact. 4 multiplied by 5 is equal to 20. Division fact 1. Division fact 1. Kya 20 is divided by 4 is equal to 5. And division fact 2. That is division fact. 2, 20 is divided by 5 is equal to 4. तो ये दोनों क्या हैं? Opposite. 24 aur 20 four जा और 20 को five जा. Okay? ये हमारा क्या हैं? Opposite relations. तो बच्चों इसी तरह से exercise आप खुद try करेंगे. Our next topic is terms used in division. The number is 15 divided by 5 gives 3. डिविडेंड कौन कौन सी टर्म्स हम डिवीजन में यूज करते हैं डिविडेंड इट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड जो ऑब्जेक्ट हमें टोटल गिवन है जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड इन अदर वर्ड्स द नंबर विच इज डिवाइडेड इज द डिविडेंड जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है वो हमारा क्या होता है डिविडेंड जैसे यहां पे हमें गिवन है 15, 15 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3, तो हमारा जो 15 है वो क्या है हमारा डिविडेंड 15 क्या है हमारा डिविडेंड ओके डिवाइजर इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच इक्वल ग्रुप इन अदर वर्ड्स द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड डिवाइजर ओके नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स। इन अदर वर्ड्स, द रिजल्ट ऑफ द डिवीज़न इज कॉल्ड द कॉशेंट तो हमारा फॉर्मूला क्या बना किस तरह से बना दिस वन डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू क्वेश्जाम्पल वन 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8. 16 इज द डिविडेंट क्योंकि इस नंबर को हमें क्या करना है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 इज द डिवाइजर किससे डिवाइड करना है 2 से ओके okay? तो इट इज अवर डिवाइजर और आउटपुट क्या आया आंसर क्या आया 8. एंड 8 इज द क्वेश्चन 8 हमारा क्या है क्वेश्चन ओके एग्जाम्पल टू इन अ डिविजन प्रॉब्लम डिविडेंड इज इक्वल टू थर्टी फाइव डिवाइजर इज इक्वल टू फाइव एंड क्वेश्चन टू सेवन राइट द डिवीजन फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू द क्वेशन फैक्ट फॉर द अब डिवीजन प्रॉब्लम इज थर्टी फाइव इज डिवाइडेड बाय फाइव इज इक्वल टू सेवन क्यों क्योंकि थर्टी फाइव हमारा क्या है डिविडेंड फाइव क्या है डिवाइजर और आंसर जो आएगा सेवन इट इज आर क्वेश्चन ओके तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन फैक्ट्स अ नंबर डिवाइडेड बाय इट्स इज इक्वल टू वन स जब सेम नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे द आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू वन जैसे यहाँ पे हमने टू को टू से डिवाइड किया आंसर क्या रहा हमारा वन फाइव को फाइव से डिवाइड किया आंसर क्या रहा वन एट को एट से डिवाइड किया आंसर क्या रहा वन दैट मीन्स सेम नंबर को सेम नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे दैट गिवस ऑलवेज वन नंबर टू अंबर डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू द नंबर नंबर जब भी हम किसी को से डिवाइड करेंगे द आंसर इज द नंबर इट जैसे फोर को हमने डिवाइड किया किससे? वन से तो आंसर कितना डिवाइड किया वन से तो आंसर विल बी फोर सेवन को डिवाइड किया वन से आंसर विल बी सेवन नाइन को डिवाइड किया वन से आंसर विल बी नाइन ओके नाउ थर्ड जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर दर देन जीरो इज इक्वल टू जीरो जब भी हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे दैट आंसर विल बी जीरो जैसे जीरो को हमने किससे डिवाइड किया थ्री से आंसर इज जीरो सिक्स से डिवाइड किया आंसर इज जीरो नाइन से डिवाइड किया आंसर इज जीरो नॉट अ नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड मीन्स हमें नहीं पता इट्स नॉट डिफाइंड ओके वी कैन से इन फाइनाइट ओके okay? तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल द कोस्ट ऑफ सिक्स चॉकलेट इज रुपीज फोर्टी एट फाइंड द कोस्ट ऑफ वन चॉकलेट हमारे पास टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं सिक्स

एट कहां आएगा एट पे ये yes. किस पे आएगा हमारा एट पे 6 की टेबल को तब तक हम रिकॉल करेंगे जब तक हमारा क्या नहीं आ जाएगा फोर्टी एट हें चॉकलेट कोस्ट रूपीज एट वेरिफिकेशन कैसे करेंगे क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड क्वेश्चन हमारा क्या है आंसर क्या है एट इट इज क्वेश्चन मल्टीप्लाई सकते हैं चेक कर सकते हैं तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू लॉन्ग डिविजन एटीन इज डिवाइडेड बाय सिक्स इज इक्वल टू थ्री रिप्रेजेंट दिस डिवीजन यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे कैसे देखो क्या डिवाइड करना है हमें 18। किससे डिवाइड करना है 6 से तो 6 की टेबल को हम तब तक रिकॉल करेंगे जब तक हमारा 18 नहीं आ जाता 6 वन जा 6, सिक्स टू जा टी जाटीन एग्जैक्ट एटीन तो सिक्स थ्रीजा एटीन इसको हम क्या करेंगे सब ट्रैक्ट एट माइनस एट इज जीरो माइनस वन इज जीरो हमारा आंसर कितना आ गया रिमाइंडर कितना आ गया जीरो और क्वेश्चन कितना आया थ्री तो यहाँ पे हमारा ये एटीन क्या है क्या है हमारा डिविडेंड दिस इज डिवाइजर दिस इज ये हमारा आंसर आया वो क्या है हमारा क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बचा हुआ क्या है जीरो Okay, division is yet another operation of mathematics. It need a dividend and a divisor. The dividend gets divided, the divisor divides dividend. the quotient is the answer, and what remains is the remainder Tobacho? So, एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे आई होप आपको चैप्टर समझ आया है इसका रिवीजन खुद कीजिए